प्रदेश के सियासत से है और यह सियासी खबर है पूरी तरह। काहे कि हालात यह है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का लेके हर वार राजनीतिक पार्टी में भड़भड़ाहट है, कुलबुलाहट है। काहे कि अब अपन अपन सत्ता बचावे खातिर और अपने आप का जो है बिल्कुल पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करे, मतलब दिखावे खातिर पूरी तरह से जद्दोजहद जारी है। हालात यह है कि कहा थे ना कि यह साल अंतिम, यह साल भारी, बस यह साल के है कहानी यह सारी। तो मतलब ये 2023 बिल्कुल एक नई इतिहास की ओर बढ़ी रहा है और राजनीतिक पार्टी पूरी तरह से ए माँ भड़भड़ा नहीं कि आखिर 2023 माँ सिरमौर को बनी के हाथ में सत्ता आई। तो पूरी खबर लेके आए हैं कि भाजपा अंदरूनी तौर पर सर्वे कराए चुकी है। अब वह भाजपा एक विधेयकन की स्थिति के आकलन कर रही है। 3 दिसंबर के बाद खुली हुआ रिपोर्ट कार्ड और सीएम खुद यह पूरे सर्वे के अगुआ बन रहे हैं। तो विद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी यह बेहद बड़ी खबर के, जहां पर ऑब्जेक्ट बताया थी मिशन 2023 के तैयारी खातिर शनिवार का बुलाई गए भाजपा विधायक दल के बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया कि चुनावी समर शुरू हो चुका है, हमका मैदानी हकीकत के जो है हम सर्वे करा चुके हैं। चुनाव के पहले दुई सर्वे हुई, सर्वे में सभी की स्थिति सामने आ चुकी है। यह रिपोर्ट पर 3 दिसंबर के बाद 1-to-1 बात करूंगा। उनके द्वारा कहा गया कि विधायकन का हिदायत तो दिन गई ही कि अपन आचरण और व्यवहार अच्छा रखें। मुख्यमंत्री निवास में भाई बैठक में सीएम के द्वारा कहा गया कि हो सकत है कि अगले साल या तारीख का मतदान हो जाए, ऐसे कमर कस के उतरे हैं। सरकार के 25 से 30 बड़ी योजना है, इस स्कीम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, डबल इंजन के सरकार के प्रचार करें, सरकार के कार्यक्रम में शामिल हों, आदिवासी ब्लॉकन में पेशा एक्ट के बारे में समझावा जाए। सीएम के द्वारा कहा गया कि पार्टी के वोटर से दूरी न हो चाहिए, व्यक्तिगत संबंधन का बढ़ावा और विधायकन का एमपी जो है आज और कल किताब देके कहागा कि एक योजना का पढ़ के जनता का समझावा जाए। अपना चक बताया दी कि बैठक के बाद 23 जिला के विधायकन से सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा अलग अलग से बात की गए। ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग के जिला के विधायकन से देर रात तक चर्चा है। सीएम के द्वारा इशारा में ही विधानसभा में मजबूत और कमजोर स्थिति के बारे में बतावागा। कुछ विधायकन का संदेश देगा कि अब सक्रिय नहीं बे तो दिक्कत में आ जाएगी। बैठक में सीएम जनसेवा अभियान का लेके चर्चा है। तो निश्चित तौर पर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान हो या मध्य प्रदेश के भाजपा पार्टी हो, लगातार कसावट ले आवे खातिर जो है जनप्रतिनिधि का लगातार सर्वे दर सर्वे कराए रही है। खिसकत जमीन देख के कहो न कहो पिछला चुनाव सत्ता काहे हाथ से चली गए। हालांकि वता ज्योतिरादित्य सिंधिया न होते हैं तो शायद भाजपा आज सरकार में न हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मदद से कांग्रेस के विधायकन का जो है कांग्रेस पार्टी छोड़िन, विधायकी छोड़िन, उसके बाद उपचुनाव भा वो से पहले सरकार बन गया। तो सीधे तौर पर समझी कि यह था एक मिली जुली सरकार के प्रक्रिया रही, ऐसे सरकार बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात समझे लाई किया है कि 2023 केकर हुई कांग्रेस के एक और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, खूब प्रचार प्रसार हो रहा है, जनता के कहो न कहो एक संवेदना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के साथ जा रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस और भाजपा इन दूठे पार्टी हैं जिन पर यह पेंच फंसा है कि 2023 में के शर्मा ताज हुई और के बेताज हुई। भाजपा का अपन ताज बचावे की जद्दोजहद करे है तो कांग्रेस का यह ताज ले आवे की जद्दोजहद करे है। अब सर्वे दर सर्वे हो रहे हैं, भाजपा और शिवराज सिंह चौहान या स्पष्ट कह दी नहीं साफ तौर पर कि जे काम करी वही का टिकट मिली, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय करे के पड़ी। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।